ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को एक प्यारी सी कहानी साईं बाबा और ब्राह्मण की सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी है शिरडी की। हाँ, साईं बाबा की शिरडी की। यह बात तब की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा की महिमा जानने के बाद हजारों लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने आते। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा था जो बिना बाबा का दर्शन किए भोजन नहीं करता, चाहे कितनी भी देर हो जाए। और अक्सर उसका नंबर आता तब तक रात हो जाती, इसलिए वह सिर्फ रात का ही खाना खा पाता। बाबा को उस पर दया आई, सो एक दिन बाबा ने उससे कहा, तुम यहाँ मत आया करो, बल्कि मैं ही तुम जहाँ रहते हो वहीं आ जाऊँगा। वो खुश हो गया ये जानकर कि बाबा खुद उसके घर आएंगे तो मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। अगले दिन वो खाने की थाली सजाकर बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा समय उसे परेशान करता रहा और उसे बार बार उस थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी जब कुत्ता नहीं जा रहा था, तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे 2-3 डंडे मार दिए। दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर बाबा के पास गया और उनसे कहने लगा, बाबा आप मुझे वचन देकर भी नहीं आए, मैंने ऐसी उम्मीद नहीं की थी। साईं बाबा बोले, मैं तो आया था, लेकिन तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए और ऊपर से मुझे डंडे से भी मारा। इतना कहकर बाबा ने अपनी पीठ उसे दिखाई, जिस पर डंडे के निशान साफ देखे जा सकते थे। ब्राह्मण आश्चर्य और पश्चाताप से रोने लगा और साईं बाबा से माफ़ी मांगने लगा, बाबा मुझ अज्ञानी को माफ़ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण साईं की मिन्नतें करते हुए बोला, बाबा मुझे बस एक और मौका दो, इस बार मैं आपको निराश नहीं करूँगा। बाबा भी उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट आया। अगले दिन फिर से थाली सजाकर वो बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वो किसी कुत्ते के अपने द्वार पर आने की बाट जो रहा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उसे एक भी कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा ही गंदा, कई दिनों से नहाया ही ना हो और जिसके शरीर से काफ़ी अंतर पर भी बदबू आती हो, ऐसा भिखारी आया। भिखारी उससे थाली में पड़ा खाना मांगने लगा, पर ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहां से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर वहां खड़े रहने के बाद चला गया। एक और दिन खत्म हुआ और ब्राह्मण फिर से साईं बाबा के दरबार में पहुंचा और बोला, सच बताना इस बार आप नहीं आए ना, आपको कोई दूसरा जरूरी काम होगा। बाबा बोले, मैं आया था और खुद तुमसे वो भोजन भी मांग रहा था, लेकिन तुमने फिर भी मुझे बिना खिलाए ही लौटा दिया। ब्राह्मण ने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया तो उसे समझ आया कि वो भिखारी ही बाबा थे। अपनी मूर्खता का पता चलने पर वो बाबा के आगे फूट फूट कर रोने लगा और एक बार बाबा से अपने घर आने के लिए कहने लगा। बाबा ने इस बार मना कर दिया और बोले, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आऊँगा और तुम पहले से ठान कर बैठोगे और मुझे कुत्ते या भिखारी में ढूंढोगे। बस तुम इतना जान लो, मैं हर किसी में हूँ, हर जगह हूँ, इसलिए जो भी ज़रूरतमंद नज़र आए उसकी सच्चे मन से मदद कर दो, बस इतना काफ़ी है मुझे खुश करने के लिए। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।